क्या सुनील भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब भाई, ठीक हो? उम्मीद करते हैं सब भाई खैरियत से होंगे। वेलकम बैक होगी जी नदर व्लॉग में सब भाइयों का। आज का भैया सीन ये, आज पाक व्हील का माशाल्लाह से ऑटो शो है। दोस्त वगैरह मेरे सारे उधर पहुंचे हुए हैं और मैं भी अभी बस बाइक निकाल के जाने लगा हूं उधर। आपको सारा सीन चेक करवाते हैं। चैनल को सब भाई सब्सक्राइब कर दो और टाइम भी माशाल्लाह से 4 हो गए हैं। तैयार वगैरह मैं हो गया हूँ, अपना बाइक तो नहीं लेके जा रहा परी क्योंकि वो अभी तैयार नहीं हुई, तो वहाँ जाके आपको सारा ए टू दी सीन वगैरह चेक करवाते हैं। पहले मेरा दिल नहीं था कि जाने का, मैंने कहा नहीं जाता, फिर मैंने कहा चलो आपको सीन ही चेक करवा देंगे। टिकट वगैरह मैंने नहीं ली, उधर ही जा के ना ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। बाकी दोनों मोबाइल उठा लेते हैं। दोस्त वगैरह उधर ही पहुँच गए हैं, बस मैंने भी बाइक बाहर निकाल ली है, इसी पर जाऊँगा। ठीक है, वहाँ पहुँच मिलते हैं। बालों की तो वहाँ पहले एक होता नहीं है, लेकिन चलो खैर है। मेरा भी चढ़वाना। निकाल लिया जी, पहुंच गया। पहुंच चुके भाई और रश माशाल्लाह से लगा। दोस्तों को भी ढूंढ रहे हैं, लोगों इधर ही होंगे। इस गाड़ी का मैंने रिव्यू देखा था, हाँ।
कर एक गाड़ी है, कौन कौन से दिखाओ, कोई समय नहीं आ रही, देखते जाओ बात। पता नहीं जैन लोग किधर गया। Yeah.
Guess I never know where it went wrong. Thank you.
ਡੇ ਹੈ के सामने है। सुनील साहब आप जरा बताएंगे कि क्राउड आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद। आई होप आप लोगों को ये शो अच्छा लगा होगा। इस दफा हम लोगों ने कोशिश की है, एज आई ऑलवेज से हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, और आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी हु हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस शो। खास तौर पे वो लोग जिनकी गाड़ियां यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, वो कल रात को आके खास तौर पे गाड़ियां खड़ी करके कोई ऊबर पे, कोई करीम पे वापस गया है, कोई लिफ्ट लेके गया है। प्लीज जरा साउंड थोड़ा सा हिस्सा करिएगा। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट बुलाएंगे स्ट्रीट परफॉर्मेंस की तरफ से। कराची से आए हैं रेहान तनवीर साहब, जो कि यूट्यूबर भी हैं, और उन्होंने गाड़ी तैयार करवाई है और वो लाहौर है। ओके जी, अब मैं दावा दूंगा असद जहूर फ्रॉम AZ को काइंडली स्टेज पर आए और आके सुनील साहब से शील्ड रिसीव कर लें। असद जहूर साहब काइंडली स्टेज पर आ जाए। We made. Guess I never know where it went wrong.